सब बोरिंग लग रहा था कि वन टाइम वॉच मूवी है, इसको बेसलेस मूवी बोलते हैं। पे थोड़ी सी थी डाउन टाइप, बट ये और अच्छी हो सकती है कोई और होता तो। इट इज ओके, वन टाइम वॉच मूवी है। रणवीर कपूर और वाणी कपूर की कैसी लगी केमिस्ट्री आपको ऑन स्क्रीन पहली बार? एवरेज थी वो, मतलब वाणी कपूर को इतना डायलॉग्स और ये स्क्रीन टाइम नहीं दिया था, बट रणवीर कपूर वाज गुड इन द मूवी। स्टोरी कैसी लगी? स्टोरी लाइक जो ट्रेलर से लग रहा था कि बहुत एवरेज रहेगी, उससे थोड़ी सी अच्छी थी, बिकॉज उसमें थोड़े से ट्विस्ट एंड टर्न्स थे। सॉन्ग कैसे लगे आपको? सॉन्ग्स की वजह से थोड़ा सा बोरिंग लग रहा था, बिकॉज ऑफ दैट। 5 बजे से कितना स्टार्ट ट्रेन था? देखिए समथेरा मूवी एक्टिंग वाइज अच्छी लगी, लेकिन मूवी में कोई बेस नहीं है, इसको बेसलेस मूवी बोलते हैं। रेगिस्तान है, रेगिस्तान में घोड़े दौड़ रहे हैं, कोई सीन आता है तो गीद आ जाते हैं, गीद आके पुलिस पर अटैक कर देते हैं, सारे पुलिस वाले मर जाते हैं, वो कुछ समझ में नहीं आया। बचपन में हम लोग विक्रम और बेताल की कहानी पढ़ते थे ना, उस बेस पर ये कहानी बनी हुई है। रणबीर कपूर और वाणी कपूर की आपको केमिस्ट्री कैसी लगी? और केमिस्ट्री ठीक है, रणबीर कपूर देखिए बॉर्न हीरो है, तो उसकी एक्टिंग के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। वाणी कपूर ने 2-3 गाने गाए इसमें, जो गाना है वो बेले डांस जैसा, वो अच्छा है। उसने अपना मतलब बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं बोल्डनेस सीन भी दिया इसमें। पूरे गाने कैसे लगे मूवी के? गाने ठीक है, गाने कोई बिना मतलब के दिए थे, गाने का कोई अर्थ नहीं था। स्टोरी लाइन कैसी लगी? स्टोरी कुछ भी नहीं है, बेकार है, डकैती पर और ये वो और क्राउन लूट लो ने, ये लूट लो ने, ये सब बहुत पुरानी बात है। 5 में से कितना स्टार देना? कुछ नहीं, इसमें 5 में से 2 बनते हैं, बहुत मुश्किल से। बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी है उसके आफ्टर, मतलब इतने टाइम के बाद आ रही है, एक्सपेक्टेशन अच्छी थी, अच्छी लगी मेरे को मूवी। रणबीर कपूर और वाणी कपूर की केमिस्ट्री कैसी लगी आपको? केमिस्ट्री दोनों की बहुत अच्छी, जोड़ी जम रही थी, और अच्छी हो सकती है कोई और होता तो। कहानी कैसी लगी पूरी मूवी? बहुत अच्छी थी, मैंने इंटरवल के पहले थोड़ी सी थी डाउन टाइप, बट इंटरवल के बाद इट पिकअप एंड अच्छी थी। पिक्चर के सॉन्ग्स कैसे? सॉन्ग्स अच्छे थे, मेरे को इतने कुछ ये नहीं लगे, बट गुड, नाइस है। द डायलॉग पार्ट विच वो उसको जो उसको मिलने आते वो वाला पार्ट के इधर सिचुएशन जो लास्ट में जो सब लोग मिलके बोलते हैं वो वाला पार्ट। 5 में से कितना स्टार देना? 3.5। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी आपको रणबीर कपूर और वाणी कपूर की केमिस्ट्री कैसी? उनकी केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी थी, स्पेशली वो गाने में बहुत अच्छी केमिस्ट्री। वाणी कपूर का डांस कैसा लगा? हाँ जी, वाणी कपूर का डांस कैसा लगा? हाँ, बट शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट डांसर। स्टोरी लाइन कैसी थी? बहुत वेल स्टोरी लाइन तो बहुत अच्छी, मतलब इट वाज अ नाइस रिवेंज स्टोरी, लेकिन जिस तरह से उसको डायरेक्ट किया था वो बहुत अच्छा था। ओके, गाने कैसे हैं पिक्चर के? गाने इज द हाईलाइट, the song of the life of the movie, songs ke wajah se jo impact aaya, jo background score tha, yeah, uske wajah se bahut bada impact aaya. 5 mein se kitna star dena chahiye? 4.5, 100% theater aake dekhni chahiye movie, because theater mein hi mazaa hai. Theater mein, ha, right. Story line bhi bahut achhi hai, periodic drama hai chuki, to मतलब उन्होंने बहुत ही अच्छा, लाइक अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा स्क्रीन प्ले, मूवी कहीं भी बीच में ऐसी नहीं लगी कि बोर कर रही है, उसने बांध के रखा स्टार्टिंग से एंड तक। बहुत दिन बाद एक फ्रीडम के स्ट्रगल को दिखाया लोगों को, तो ये बहुत अमेजिंग चीज़ है कि बॉलीवुड में एक नया कंसेप्ट लेके आके और एक स्टोरी लाइन अलग से डेवलप किया। और वाणी कपूर और रणबीर कपूर की केमिस्ट्री कैसी लगी? दे बोथ आर क्यूट और बहुत ही अच्छी लगी, नो डाउट। एक्चुअली पहले के ज़माने की लगी, ऐसा नहीं बोल सकते कि आज के ज़माने से उसको जोड़ा गया, पहले के ज़माने में जैसे एक्चुअल रणबीर कपूर ने 6-पैक है तो बनाए, लेकिन इतना पूरा मतलब क्लीन नहीं दिखाया, पूरा क्लीन नहीं दिखाया, नेचुरल चीज़ें जो उस टाइम पर शायद चलती होगी, उस टाइम पर शायद। साली मेरे ख्याल से रणबीर कपूर का है, शमशेरा, ब्रह्मास्त्र, शादी भी हो गई सर, बहुत ही अच्छा लगा, मजा आया। 4.5। मुझे बहुत पसंद आई, मैं बहुत उम्मीदों के साथ नहीं गई थी, मैं थोड़ा डर से जा रही थी कि ये फिल्म VFX के मामले में, ड्रामा के मामले में, एक्शन के मामले में खड़ी उतरेगी या नहीं। आजकल बहुत कंपटीशन चल रहा है बॉलीवुड और साउथ फिल्म्स का, बट मैं बिल्कुल तारीफ़ करना चाहूँगी करण मल्होत्रा और उनकी टीम की, कि मुझे बहुत ड्रामेटिक भी लगी, एक्शन बहुत बहुत अच्छा लगा, एंड और विजुअल्स भी मुझे बहुत पसंद है। आई रियली रियली इन्जॉयड सम ऑफ द एक्शन सीन, आई थिंक दे वर टेरिफिक। 5 में से कितना स्टार देना चाहेंगे? आई थिंक 3.5। थैंक यू।
वंडरफुल 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 एक्ट बाय रणबीर, वाणी कपूर, एवरीवन वाज जस्ट ऑसम, रियली ग्रेट वन। वाणी कपूर की केमिस्ट्री आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी थी, अल्टीमेट, एवरीथिंग वाज जस्ट फाइन। कौन सा बेस्ट सीन था पूरे मूवी में? व्हेन ही अराइजेस, व्हेन ही गेट्स अ रोज, लाइक आई एम द सन ऑफ शमशेरा, दैट इज एवरीथिंग वाज जस्ट परफेक्ट। 5 out of 6 मैन, अच्छी लगी, बहुत अच्छी। रणबीर कपूर और वाणी कपूर के बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत अच्छे। स्टार देना चाहेंगे? 4। ज़्यादा कैरेक्टर मैम वाणी कपूर का और रणवीर सिंह की केमिस्ट्री बहुत पसंद आई। और सॉन्ग कैसे लगे आपको पूरे? सॉन्ग भी बहुत बढ़िया थे सब। कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा पिक्चर का? पूरी फाइट खत्म होने के बाद जब रणवीर सिंह क्राउन वापस लौटा के जाते हैं, वो वाला पार्ट बहुत बेस्ट लगा पूरी मूवी में। 5 में से कितना स्टार देना चाहेंगे इस पिक्चर? 10 स्टार एक्स्ट्रा।